साहब अपनी कार की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में एक पागलपन था। आज वो हर चीज को मिटा देना चाहता था। उसे लग रहा था कि उसने गुनगुन को हमेशा के लिए खो दिया है। साहब अपनी गाड़ी की तरफ आगे बढ़ा। कुछ लड़कियां अभी भी उसकी गाड़ी के सामने सेल्फी ले रही थी। साहब ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उनकी तरफ देखा और गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, हट जाओ वहां से और आगे से मेरी गाड़ी के सामने आने की जुर्रत मत करना। ड्राइवर समझ चुका था कि साहब का गुस्सा परवान चढ़ चुका है। उसने बिना कुछ कहे गाड़ी को स्टार्ट किया और गाड़ी को साहब के घर की तरफ घुमा दिया। साहब ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी को जुहू बीच की तरफ ले चलो। ड्राइवर ने घड़ी में टाइम देखा। इस वक्त रात के 12 बजने वाले थे, लेकिन ड्राइवर की हिम्मत नहीं हुई कि वो साहब से कोई भी सवाल कर सके। ड्राइवर ने गाड़ी को जुहू बीच की तरफ घुमा दिया। साहब जुहू बीच पर बैठे बैठे चांद को देख रहा था। चांद में भी उसे गुनगुन का मासूम चेहरा नजर आ रहा था। उसने ड्राइवर को भेजकर 2-3 बियर की बोतल मंगवाई। साहब समंदर की लहरों पर उछलते हुए चांद को देख रहा था। उसे वो दिन याद आ गया जब उसके सो जाने के बाद रात को 12 बजे वो गुनगुन के साथ जुहू बीच पर आया था। समंदर की लहरों के साथ गुनगुन उस दिन बेखौफ नाच रही थी। गुनगुन उस दिन किसी छोटी बच्ची की तरह लहरों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। साहब बियर पीते हुए गुनगुन को याद कर रहा था। गुनगुन अपना हाथ बढ़ाकर उसे बुला रही थी, लेकिन अचानक उन दोनों के बीच मेहुल आ गया। गुस्से में आकर साहब ने बियर की खाली बोतल एक पत्थर पर दे मारी और बोतल बिखर कर चूर चूर हो गई। समंदर की तरफ देखकर साहब जोर से चिल्लाया, तुमने ऐसा क्यों किया गुनगुन? साहब की आवाज लहरों के शोर में कहीं खो गई। गुनगुन की याद में साहब की आंखें नम हो चली। एक के बाद एक बियर की 4 बोतल खत्म करने के बाद साहब अब होश खोने लगा था। ड्राइवर ने आकर उन्हें संभाला। साहब शराब के नशे में गुनगुन का नाम लिए जा रहा था। ड्राइवर ने जैसे तैसे करके साहब को गाड़ी में डाला और गाड़ी को घर की तरफ घुमा दिया। साहब की जुबान पर बस एक ही बात आ रही थी, गुनगुन कहाँ हो तुम, प्लीज वापस आ जाओ। घर पहुंचकर ड्राइवर ने गाड़ी को घर के सामने खड़ा कर दिया और साहब को गाड़ी से निकाला। ड्राइवर ने साहब को उनके बेडरूम में बेड पर लिटा दिया। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए ड्राइवर सर्वेंट क्वार्टर में ही सो गया। उधर गुनगुन भी अपने बेड पर लेटी हुई थी, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। साहब आज उसके घर में किसी सैलाब की तरह आया था और उसके मन में एक उथल पुथल मचाकर चला गया। गुनगुन को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने बेड से उठी और खिड़की पर बैठ गई। खिड़की से ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही थी। खिड़की के बाहर 14वीं का चांद चमक रहा था। चांद की झीनी झीनी रोशनी कमरे के अंदर आ रही थी। उसे याद आया साहब को ये रोशनी कितनी पसंद है। वो कई कई घंटों तक इस चांद को निहारते रहता था। गुनगुन जब भी इस चांद को देखती है, न चाहते हुए भी साहब उसे याद आ जाता है। न जाने कितनी रातें उसने इस चांद को देखकर साहब की याद में गुजारी है। चांद को देखते देखते जब गुनगुन को चांद में साहब का चेहरा दिखाई देने लगा, जो धीरे धीरे अप्पू और डप्पू की ओर बढ़ रहा था, गुनगुन इस ख्याल से भी डर गई थी। गुनगुन अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है और आज की तारीख में उसके बच्चे ही उसके जीने की असली वजह है। गुनगुन जानती है कि आज तो उसने झूठ बोलकर साहब को बच्चों से दूर कर दिया, लेकिन वो इस सच को ज्यादा दिनों तक नहीं छिपा पाएगी। गुनगुन ने खुद से कहा, मुझे अपने बच्चों के लिए कोई ना कोई कदम उठाना ही पड़ेगा। सोचते सोचते रात बीत चुकी थी। आसमान में सफेद चांद की रोशनी की जगह अब सूरज के सिंदूरी उजाले ने ले ली थी। गुनगुन बदलते हुए वक्त की दस्तक को महसूस कर पा रही थी। थोड़ी ही देर में गुनगुन का कमरा सूरज की तेज धूप से भर गया। गुनगुन ने घड़ी में टाइम देखा तो सुबह के 7 बज चुके थे। गुनगुन किचन में गई और सबके लिए ब्रेकफास्ट की तैयारी करने लगी। तब तक प्रगति भी उठ चुकी थी। वो अब अपना जितना भी समय होता था गुनगुन और बच्चों के साथ यहाँ इस घर में बिताती थी। वो किचन में एंटर हुई और उसने गुनगुन की तरफ देखा। गुनगुन की आंखें एकदम लाल और सूजी हुई थी। उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि गुनगुन रात भर सोई नहीं है। प्रगति ने गुनगुन की तरफ देखा और कहा, क्या हुआ गुनगुन, तुम्हारी तबीयत ठीक है? लगता है तुम रात भर नहीं सोई हो। गुनगुन सच में रात भर नहीं सोई थी। अप्पू और डप्पू की चिंता में उसे रात भर नींद नहीं आई। उसका सिर दर्द के मारे फटा जा रहा था। उसने प्रगति की बात का जवाब देते हुए कहा, कुछ नहीं, बस जरा सा सिर में दर्द है।
प्रगति ने गुनगुन के हाथ से चाकू छीना और उसे इंस्ट्रक्शंस देते हुए कहा, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं अभी तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। आज तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आज नाश्ता मैं बनाऊंगी। गुनगुन प्रगति की बात को टालते हुए टोस्टर में ब्रेड रखने लगी। प्रगति ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। गुनगुन ने प्रगति की तरफ देखते हुए कहा, मुझे नींद नहीं आने वाली, ये तुम भी जानती हो, थोड़ा काम करूंगी तो मन लगा रहेगा। प्रगति ने गुनगुन को डांटते हुए कहा, कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम चुपचाप अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारी कॉफी और ब्रेकफास्ट लेकर आती हूँ। गुनगुन प्रगति की बात नहीं टाल सकी, वो सीधे अपने कमरे में चली गई। गुनगुन अपने बेड पर लेटी थी और सोने की कोशिश कर रही थी। गुनगुन का मन बहुत बेचैन था और उसे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी ही देर में प्रगति कॉफी और ब्रेकफास्ट के साथ कमरे में दाखिल हुई। उसने कॉफी का मग गुनगुन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो तुम्हारी गर्मा गर्म कॉफी, और अब मुझे बताओ क्या बात है, क्यों इतनी परेशान हो। गुनगुन ने कॉफी का एक सिप लिया। थोड़ी कॉफी पीने के बाद गुनगुन के सिर का दर्द कुछ कम हुआ। उसने प्रगति की बात का जवाब देते हुए कहा, मैं अप्पू और डप्पू को लेकर परेशान हूँ, कहीं कोई उन्हें मुझसे छीन ना ले। प्रगति ने कल की बात को छेड़ते हुए कहा, हाँ मैंने देखा था, कल साहब यहाँ आए थे और उसके जाने के बाद तुम बहुत डर गई थी। गुनगुन कल की बात को याद करके एक बार फिर सहम सी गई। उसने कांपते हुए प्रगति की बात का जवाब दिया, हाँ कल साहब यहाँ आए थे, वो बच्चों के बारे में पूछ रहा था। सच कहूं प्रगति, कल साहब के उस रूप को देखकर मैं बहुत डर गई थी। प्रगति आगे की बात जानने के लिए उत्सुक थी। उसने उत्सुकता के साथ पूछा, क्या तुमने साहब को अप्पू और डप्पू के बारे में बता दिया। हालांकि प्रगति जानती थी कि गुनगुन इस राज को साहब से जाहिर नहीं होने देंगी, पर साहब के डर के आगे अच्छे अच्छे अपनी जबान खोल देते हैं। गुनगुन ने प्रगति की बात का जवाब देते हुए कहा, कल मैंने झूठ बोलकर सच को बाहर आने से रोक दिया था। प्रगति ने गुनगुन की तरफ देखकर कहा, झूठ, कैसा झूठ गुनगुन। गुनगुन ने कल गुस्से और डर में जो बात साहब को कही थी, वो दिन के उजाले और पूरे होशो हवास में उसके मुंह से नहीं निकल रही थी। उसने अपनी पूरी हिम्मत को जोड़ते हुए कहा, कल मैंने साहब से झूठ कह दिया, मैंने कहा अप्पू और डप्पू दोनों साहब के बच्चे नहीं है। गुनगुन ने अपनी नजरें झुका ली और बात को जारी रखते हुए कहा, मैंने कह दिया अप्पू और डप्पू मेरे और मेहुल के बच्चे हैं। गुनगुन की बात सुनकर प्रगति सकते में आ गई। प्रगति को समझ नहीं आ रहा था कि गुनगुन ने क्यों अपने सिर पर यह बदनामी ली। उसने गुनगुन की तरफ देखा और उसके कंधों को पकड़ते हुए कहा, तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला, क्यों खुद को बिन मतलब बदनाम किया। गुनगुन को उस वक्त इस झूठ के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं नजर आ रहा था। गुनगुन ने प्रगति से कहा, उस वक्त मुझे डर के मारे कोई और रास्ता नजर नहीं आया, मैं साहब की परछाई से भी अपने बच्चों को दूर रखना चाहती हूँ। प्रगति और गुनगुन के सामने साहब नाम की विपदा खड़ी थी, जिससे उन्हें अपने बच्चों को बचाना था। जल्द ही उन्हें कोई ना कोई कदम उठाना होगा ताकि अप्पू और डप्पू को साहब से दूर रखा जा सके। प्रगति ने गुनगुन से पूछा, तुमने कुछ सोचा है कि अब क्या करोगी। गुनगुन ने साहब को अपने बच्चों से दूर रखने के लिए रास्ता सोच लिया था। उसने प्रगति की तरफ देखते हुए कहा, एक रास्ता है जिससे हम अप्पू और डप्पू को साहब से दूर रख सकते हैं। प्रगति गुनगुन के मन में क्या चल रहा है ये जानना चाहती थी। उसने गुनगुन की तरफ देखते हुए पूछा, कौन सा रास्ता गुनगुन। गुनगुन को पूरा यकीन था कि उसने जो रास्ता सोचा है वो जरूर काम करेगा। उसने प्रगति का हाथ पकड़ते हुए कहा, प्रगति इसमें तुम्हारी हेल्प चाहिए, अगर तुम बच्चों को वापस दिल्ली ले जाओ तो मैं भी जल्दी ही दिल्ली वापस आ जाऊंगी, और उसके बाद मैं ये घर बेचकर अप्पू और डप्पू के साथ देश के बाहर शिफ्ट हो जाऊंगी। प्रगति भी अब कुछ कुछ साहब के नेचर को समझने लगी थी। उसे पता था साहब से छुटकारा पाना इतना भी आसान नहीं होगा। उसने गुनगुन की तरफ देखकर कहा, गुनगुन इस बात की क्या गारंटी है कि साहब वहां नहीं पहुंच पाएंगे, तुम्हें साहब से पहले अपने डर से लड़ना होगा। गुनगुन कुछ कह पाती उससे पहले अप्पू और डप्पू गुनगुन के कमरे में दाखिल हुए। दोनों बेड पर चढ़ गए और उन्होंने गुनगुन के गले में अपनी बाहें डालते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मम्मी। गुनगुन ने दोनों के गालों पर किस किया और कहा, गुड मॉर्निंग अप्पू डप्पू। डप्पू ने गुनगुन के गालों पर हाथ रखते हुए कहा, सॉरी मम्मी, अब हम साहब अंकल से कभी नहीं मिलेंगे। प्रगति ने घड़ी की ओर देखा। अप्पू और डप्पू के प्ले स्कूल जाने का टाइम निकल चुका था और बच्चे घर में ही थे।
प्रगति ने गुनगुन से सवाल किया, आज बच्चे स्कूल नहीं गए? गुनगुन प्रगति से नजरें चुरा रही थी। वो जानती थी सच जानकर प्रगति को अच्छा नहीं लगेगा। प्रगति ने गुनगुन की तरफ घूर कर देखा। गुनगुन ने नजरें झुकाते हुए कहा, वो बच्चों का स्कूल से एडमिशन कैंसिल करवा रही हूँ, अब दोनों होम ट्यूशन में पढ़ेंगे। प्रगति की नजर में बच्चों को स्कूल से निकालना किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं हो सकता। उसने गुनगुन से कहा, बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी है, इस एज में उनका अपनी एज के बच्चों से मिलना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे चलकर बच्चे दूसरे बच्चों से बात करने से कतराएंगे। प्रगति ने गुनगुन का फोन उठाया और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, साहब को फोन लगाओ और उन्हें साफ साफ बच्चों से दूर रहने के लिए कह दो। गुनगुन ने प्रगति के हाथों से फोन लिया और साहब का नंबर डायल किया। गुनगुन साहब से बात करने के लिए अपनी पूरी हिम्मत बांध रही थी। साहब के फोन की घंटी बज रही थी। साहब के सर से अभी कल की बियर का नशा उतरा नहीं था। उसने आंखें भी पूरी तरह से नहीं खोली थी। आधी नींद में उसने फोन उठाया और हेलो कहा। उधर से गुनगुन ने आवाज में कॉन्फिडेंस के साथ कहा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। कल की बात से साहब अभी तक नाराज था। वो गुनगुन के साथ किसी और का नाम बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने गुस्से से गुनगुन की बात का जवाब देते हुए कहा, अब क्या बाकी रह गया है कहने को, कल जो कहा वो काफी नहीं था। गुनगुन ने अपने डर पर काबू पाने की कोशिश की और बहुत ही कड़क आवाज में साहब की बात का जवाब देते हुए कहा, आप कल जिस तरह मेरे घर आए थे वो दोबारा नहीं होना चाहिए। गुनगुन की इस हिमाकत से साहब गुस्से से तमतमा उठा। उसने अपने शरीर से कंबल को हटाया और गुनगुन पर चिल्लाते हुए कहा, अगर मैं दोबारा आया तो क्या कर लोगी तुम? गुनगुन अपने डर पर काबू पा चुकी थी। गुनगुन एक काबिल वकील भी थी। उसे पता था इस समय उसे क्या कहना है। उसने एक वकील की तरह कहा, फिर मुझे मजबूरन आप पर हैरेसमेंट का केस करना पड़ेगा। साहब गुनगुन की बात सुनकर हैरत में पड़ गया। गुनगुन के मुंह से कभी साहब के सामने एक शब्द भी नहीं निकलता था और आज गुनगुन उससे इतने ऊंचे स्वर में बात कर रही है, इस पर से हैरेसमेंट के केस की धमकी भी दे रही है। साहब ने गुनगुन की बात का जवाब देते हुए कहा, अपने पति पर हैरेसमेंट का केस करोगी और उस मेहुल के साथ गुलछर्रे उड़ाओगी। साहब की बात सुनकर गुनगुन के तन बदन को आग सी लग गई। अपने लिए इतनी ओछी बात सुनकर ही गुनगुन को शर्म आ रही थी। वो सोच रही थी साहब ने कितनी आसानी से इतनी ओछी बात कह दी। गुनगुन को भी अब साहब पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने साहब की बात का जवाब देते हुए कहा, मैं आपकी बीवी थी और मैंने इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाया था। मुझे कुछ भी कहने से पहले आप अपने आप को देख ले, आप वही है ना जिसने अपनी ही बीवी की बहन के साथ नाजायज संबंध रखे थे। इतना कहकर गुनगुन ने फोन काट दिया। फोन काटने के बाद गुनगुन हल्का महसूस कर रही थी। दूसरी ओर गुनगुन के जवाब ने साहब के ईगो को चोट पहुंचाई थी। साहब अपनी बात कह पाता उससे पहले ही गुनगुन ने फोन काट दिया। साहब से बात करने के बाद भी गुनगुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था ठंड की अंधेरी रात में वो सुनसान रास्ते पर चली जा रही है। उस रास्ते पर धुंध और कोहरा बहुत है। गुनगुन धुंध के उस पार देखने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। गुनगुन इस धुंध के हटने का इंतजार नहीं कर सकती थी। क्या पता इस धुंध के उस पार साहब हो। एक सच गुनगुन बहुत अच्छे से जानती थी कि वो कितनी ही कोशिश कर ले लेकिन साहब के सामने कमजोर पड़ जाएगी, जैसे एक छोटी सी चिड़िया कमजोर पड़ जाती है शिकारी के सामने। गुनगुन इन्हीं ख्यालों में डूबी हुई थी। उसने खुद से कहा, एक माँ अपने बच्चों के लिए कमजोर नहीं पड़ सकती, मुझे इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सलूशन निकालना ही होगा। प्रगति से बात करने के बाद गुनगुन ने बच्चों का नाम नहीं कटवाया था और बच्चे स्कूल जा चुके थे और प्रगति अपने किसी फ्रेंड से मिलने गई थी। इस वक्त अगर गुनगुन किसी से मदद की गुहार लगा सकती है तो वो है मिश्रा जी। गुनगुन ने मिश्रा जी को फोन किया और एक दबी हुई आवाज में कहा, मिश्रा जी मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, क्या मैं अभी ऑफिस आ सकती हूँ? गुनगुन की आवाज में उदासी और डर को मिश्रा जी ने भांप लिया था। उन्होंने थोड़े नर्म लहजे में कहा, क्या बात है गुनगुन, तुम थोड़ी परेशान दिख रही हो, सब ठीक है ना? गुनगुन मिश्रा जी के सामने थोड़ा सहज बनने की कोशिश कर रही थी। उसने अपनी आवाज को नॉर्मल करते हुए कहा, सब ठीक है लेकिन कुछ जरूरी बात है, आपसे मिलकर ही बात करना ठीक रहेगा। मिश्रा जी ने गुनगुन से कहा, ठीक है गुनगुन तुम आ जाओ, अभी मेरे पास टाइम भी है, वो साहब की कंपनी वाला केस भी डिस्कस कर लेंगे। गुनगुन ने मिश्रा जी का जवाब देते हुए कहा, ठीक है मिश्रा जी मैं थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ।
फोन रखने के बाद गुनगुन तैयार होने चली गई। वैसे गुनगुन को तैयार होने का बहुत शौक नहीं है और ना ही वो रोज मेकअप करती है, लेकिन रोज वो कुछ छोटी छोटी पर्ल ज्वेलरी पहन लेती थी। काजल की एक हल्की सी लाइन लगा लिया करती थी। काजल लगाने के बाद उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें और भी सुंदर लगने लगती। लेकिन आज गुनगुन का मन बहुत खराब था। ना तो उसने कोई ज्वेलरी पहनी और ना ही आंखों में काजल लगाया। तैयार होकर गुनगुन ने अपने घर को लॉक किया और ड्राइवर को फोन लगाकर कहा, भैया गाड़ी ले आइए, ऑफिस चलना है। ड्राइवर गुनगुन को देख रहा था, उसका चेहरा एकदम बुझा हुआ था। गुनगुन रोज गाड़ी में बैठने से पहले ड्राइवर की तरफ मुस्कुराकर उसकी फैमिली का हालचाल पूछती थी, लेकिन आज गुनगुन बिना कुछ कहे सीधे गाड़ी में बैठ गई। ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार थोड़ी धीमी रखी थी। गुनगुन ने उसे थोड़ा तेज चलाने को कहा। ड्राइवर भी अचरज में पड़ गया। गुनगुन रोज उसे तेज गाड़ी चलाने के लिए मना करती थी और आज वही उसे तेज गाड़ी चलाने के लिए कह रही है। ड्राइवर समझ रहा था कि गुनगुन आज थोड़ा परेशान है। गुनगुन के ऑफिस के रास्ते में एक देवी जी का मंदिर पड़ता है। ड्राइवर ने मंदिर के सामने गाड़ी रोकी और कहा, मैडम 2 मिनट के लिए इस मंदिर में चले, कहते हैं कि यहाँ जो भी मांगो वो मिल जाता है। गुनगुन के साथ जो भी हुआ था और जो कुछ भी चल रहा था, उसे देखने के बाद उसका भगवान पर से भरोसा ही उठ गया था। उसने ड्राइवर से कहा, नहीं भैया पहले ही बहुत देर हो गई है, आप सीधा ऑफिस चलिए। ड्राइवर ने गाड़ी ऑफिस की तरफ मोड़ दी और कुछ ही देर बाद गुनगुन की गाड़ी मिश्रा जी के ऑफिस पहुंच चुकी थी। मिश्रा जी कैबिन में कुछ केस की फाइल देख रहे थे। गुनगुन ने उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया और कहा, मे आई कम इन। मिश्रा जी ने सिर उठाकर ऊपर देखा। गुनगुन को देखकर उन्होंने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अरे गुनगुन मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। गुनगुन मिश्रा जी के कैबिन में दाखिल हुई और सामने रखी हुई रोलिंग चेयर पर बैठ गई। मिश्रा जी ने इंटरकॉम से पियोन को फोन करके 2 कॉफी मंगवाई। मिश्रा जी ने फाइल्स को बंद कर दिया और गुनगुन से पूछा, क्या बात है गुनगुन, फोन पर तुम बहुत परेशान लग रही थी। गुनगुन मिश्रा जी से ये बात कहते हुए थोड़ा हिचक रही थी। उसने हिचकते हुए मिश्रा जी से कहा, वो मिश्रा जी दरअसल बात यह है कि। मिश्रा जी को समझ आ रहा था जरूर कोई ऐसी बात है जिसे कहने में गुनगुन हिचक रही है। तभी पियोन कॉफी के 2 मग के साथ ऑफिस में दाखिल हुआ। मिश्रा जी ने कॉफी का मग गुनगुन की तरफ सरकाते हुए कहा, गुनगुन जो भी बात है खुलकर कहो, तुम मुझे अपना दोस्त मान सकती हो। मिश्रा जी की बात सुनकर गुनगुन को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। उसे लग रहा था मिश्रा जी जरूर उसकी बात समझेंगे, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसकी बात सुनने के बाद मिश्रा जी का ऐसा रिएक्शन आएगा जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। गुनगुन ने अपनी सधी हुई आवाज में कहा, मिश्रा जी मैं ये नौकरी छोड़ना चाहती हूँ। गुनगुन की बात सुनकर जैसे मिश्रा जी अपना आपा ही खो बैठे, उन्होंने गुनगुन की तरफ हैरत से देखते हुए कहा, क्या बकवास कर रही हो गुनगुन, तुम नौकरी क्यों छोड़ना चाहती हो। गुनगुन अपनी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम हर किसी से डिस्कस नहीं कर सकती थी। उसने धीमे स्वर में मिश्रा जी की बात का जवाब देते हुए कहा, कुछ पर्सनल कारण है मिश्रा जी, वरना मैं कभी आपसे ये बात नहीं करती। मिश्रा जी ने अपनी आवाज को तेज करते हुए कहा, अचानक ऐसी कौन सी पर्सनल प्रॉब्लम आ गई है गुनगुन। गुनगुन ने मिश्रा जी की बात का जवाब देते हुए कहा, वो मैं आपको नहीं बता सकती। मिश्रा जी को गुनगुन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। गुनगुन के भरोसे पर ही उन्होंने साहब का केस हाथ में लिया था। गुनगुन के चले जाने पर उन्हें केस पर नए सिरे से मेहनत करनी होगी, लेकिन मिश्रा जी भी कच्चा काम नहीं करते। उन्होंने सख्ती के साथ गुनगुन से कहा, मेरी फर्म ने तुम्हें इतने पैसे खैरात में नहीं दिए है कि जब तुम्हारा मन करे तुम मुंह उठाकर चल दो। तुम्हें पता है तुम इस कंपनी की सबसे महंगी लॉयर हो। गुनगुन ने अपना इरादा पक्का कर लिया था। उसने पूरी हिम्मत के साथ कहा, मिश्रा जी मैंने नौकरी छोड़ने का मन बना लिया है, मैं वापस दिल्ली जा रही हूँ। मिश्रा जी ने अपने पीछे रखी अलमारी से फाइल निकाली। उन्होंने उस फाइल में से कुछ पेपर निकाले और गुनगुन के मुंह पर फेंकते हुए कहा, गुनगुन नौकरी छोड़ने से पहले जरा इसे पढ़ लेना। गुनगुन ने पेपर उठाए और उन्हें पढ़ा और फिर मिश्रा जी की तरफ देखते हुए कहा, ये तो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स हैं। गुनगुन पजल्ड एक्सप्रेशन के साथ मिश्रा जी को देख रही थी। मिश्रा जी ने गुनगुन की तरफ देखते हुए कहा, इतनी हैरानी से मत देखो, ये पेपर्स तुमने ही साइन किए थे। इसमें साफ साफ लिखा है कि तुम 2 साल तक ये जॉब नहीं छोड़ सकती। गुनगुन के मन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मिश्रा जी गुनगुन का एकमात्र सहारा थे और वो भी उसके खिलाफ बोल रहे थे। गुनगुन ने उन्हें समझाते हुए कहा, आप समझ नहीं रहे हैं मिश्रा जी, मेरा यहाँ से जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। मिश्रा जी ने 2 टूक शब्दों में गुनगुन से कहा, गुनगुन इस केस से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ नहीं है। तुम्हें इस केस के लिए दिल्ली से यहाँ बुलाया था,
तुम इस केस के सेटलमेंट से पहले यहाँ से नहीं जा सकती। गुनगुन कुर्सी पर बूत बनकर बैठी थी। उसने मिश्रा जी के इस रूप को आज से पहले कभी नहीं देखा था। मिश्रा जी ने अपनी फाइल्स को फिर से ओपन किया। गुनगुन अभी भी वही खामोश बैठी थी। मिश्रा जी ने गुनगुन को इग्नोर करते हुए अपनी फाइल्स में देखा और बिना उसकी तरफ देखे कहा, गुनगुन यू मे लीव नाउ, और हाँ, जाते वक्त दरवाजा बंद कर देना। गुनगुन खुद को बहुत ही बेसहारा महसूस कर रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी उसके लिए सारे रास्ते बंद कर देगी। गुनगुन का दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो मिश्रा जी के ऑफिस से निकल चुकी थी। उसने घड़ी में टाइम देखा। अप्पू और डप्पू का स्कूल खत्म होने में अभी भी टाइम था। गुनगुन अकेले घर नहीं जाना चाहती थी। वो खुद को थोड़ा अच्छा महसूस करवाना चाहती थी, इसलिए वो एक कॉफी शॉप में गई। उसने एक कॉफी ऑर्डर की। वो सोच ही रही थी कि इस मुसीबत की घड़ी में किससे मदद मांगे। गुनगुन ने अपने फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट को स्क्रॉल किया। उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में उसे निमेश का नंबर दिखा। निमेश वही लड़का था जिसके साथ साहब ने गुनगुन को देख लिया था और सबके सामने इंसल्ट की थी। गुनगुन को याद आया, निमेश इन्फॉर्मेशन और डाटा डिपार्टमेंट में काम करता है। उसने निमेश को फोन लगाया और कहा, हेलो निमेश, मैं गुनगुन माथुर बोल रही हूँ। निमेश ने गर्म जोशी के साथ गुनगुन की बात का जवाब देते हुए कहा, अरे आपको कौन नहीं जानता, बताइए कैसे याद किया। गुनगुन ने निमेश से कहा, बहुत जरूरी काम है, क्या तुम मुझे CN कॉफी शॉप में मिल सकते हो। निमेश ने कहा, अभी हाजिर हो जाता हूँ, वैसे भी अभी लंच टाइम चल रहा है। गुनगुन कैफे में बैठे बैठे निमेश का इंतजार कर रही थी। थोड़ी ही देर में निमेश कैफे में एंटर हुआ। वो गुनगुन के सामने वाली टेबल पर बैठ गया। निमेश ने गुनगुन की तरफ मुस्कुराकर कहा, क्या बात है, इस नाचिस को कैसे याद किया। गुनगुन ने निमेश की तरफ देखते हुए कहा, तुम तो जानते हो मैं साहब के केस पर काम कर रही हूँ। एक एविडेंस मिला है, बस उसकी जांच करवानी है। गुनगुन का चेहरा एकदम उतरा हुआ था। निमेश को लग रहा था गुनगुन टेंशन में है और ये काम शायद उसके लिए बहुत जरूरी है। निमेश ने गुनगुन से कहा, क्या एविडेंस है और क्या पता करना है। अगर मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा तो जरूर करूंगा। गुनगुन ने एक वीडियो निमेश को सेंड किया और कहा, ये एक वीडियो है, क्या तुम पता करके बता सकते हो ये असली वीडियो है या डीप फेक वीडियो है AI का यूज करके। निमेश ने गुनगुन की तरफ देखा और बहुत ही रिलैक्स्ड वॉइस में कहा, बस इतनी सी बात, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। इतना कहकर निमेश वहां से चला गया। निमेश के रूप में गुनगुन को अंधेरे में एक रोशनी नजर आई थी। इस वीडियो की सच्चाई पता चलने के बाद गुनगुन के लिए इस केस को सुलझाना आसान होगा। जितना जल्दी वो इस केस को सुलझा लेगी उतना जल्दी ही वो इस शहर को अलविदा कह पाएगी। गुनगुन का रेस्टोरेंट जुहू बीच के पास था। रेस्टोरेंट की खिड़की से गुनगुन समंदर देख रही थी। आज समंदर कुछ ज्यादा ही उफान पर था। गुनगुन की कॉफी खत्म हो चुकी थी। वेटर बिल लेकर आया। गुनगुन ने बिल पे किया और वहां से चली गई। उधर लीला देवी भी किसी काम से बाहर आई थी। उनकी गाड़ी भी जुहू बीच से गुजर रही थी। लीला देवी ने कार की खिड़की से समंदर को देखते हुए ड्राइवर से कहा, कितने दिनों बाद इस समंदर को देख रहे हैं, आज कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। ड्राइवर ने लीला की बात का जवाब देते हुए कहा, मैडम रात में और भी सुंदर लगता है, मैं कल ही आया था साहब के साथ। ड्राइवर की बात सुनकर लीला एकदम से चौंक गई और उन्होंने ड्राइवर से फिर से सवाल किया, साहब रात को यहाँ क्या कर रहे थे। ड्राइवर बताना नहीं चाहता था, लेकिन अब इस बात को छुपाना उसके लिए और भी खतरनाक होता, इसलिए उसने सच बोलना ही ज्यादा बेहतर समझा। ड्राइवर ने कहा, साहब रात को 2 बजे तक यहाँ थे, वो देर रात तक शराब पीते रहे। शराब का नाम सुनते ही लीला की भौहें तन गई। वो सोच रही थी, साहब को कोई इस तरह शराब के नशे में धुत देख लेता तो क्या सोचता, उनके खानदान का नाम तो मिट्टी में मिल जाता। लीला के लिए अचानक घर का रास्ता लंबा हो गया था। उन्हें साहब से इस बात का जवाब चाहिए था। लीला देवी ने साहब को फोन लगाया और कहा, साहब आप अभी के अभी घर आइए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। बस इतना कहकर लीला ने फोन काट दिया। लीला कुछ ही देर में घर पहुंच चुकी थी। साहब अभी घर नहीं पहुंचे थे। लीला देवी साहब के इंतजार में अपने हॉल के चक्कर काट रही थी। थोड़ी ही देर में उन्हें साहब की गाड़ी की आवाज सुनाई दी। साहब चुपचाप कमरे में दाखिल हुए। वो लीला देवी से नजरें बचाकर सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे की तरफ जा रहे थे। लीला देवी ने साहब को रोकते हुए कहा, कहां जा रहे हो साहब, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। साहब को पता था लीला देवी गुस्से में है, वरना वो उन्हें ऑफिस से इस तरह नहीं बुलाती। साहब उनके गुस्से से बचना चाहता था। उसने झूठी बात बनाते हुए कहा, माँ आज सिर थोड़ा दर्द कर रहा है। लीला देवी ने उसे गुस्से से आवाज लगाते हुए कहा, लगता है कल रात का नशा अभी तक नहीं उतरा।
साहब ने चौंक कर लीला देवी को देखा, लेकिन उसने लीला देवी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। साहब अपनी इस हरकत से शर्मिंदा थे और लीला देवी के सामने सिर झुकाकर खड़े थे। लीला देवी ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, मैं पूछ सकती हूँ, हमारे लाड साहब को ऐसा क्या दुख था कि वो आवारा सड़क छाप की तरह आधी रात को शराब पी रहे थे? साहब लीला देवी को नहीं बता सकते थे कि वो गुनगुन के घर गए थे। साहब एक एक सीढ़ी चढ़ रहे थे और अपने कमरे की ओर जा रहे थे। लीला देवी ने पीछे से चिल्लाते हुए कहा, मुझे जवाब चाहिए साहब। साहब कुछ नहीं बोले, वो चुपचाप अपने कमरे में चले गए। कमरे में मुनमुन उनका इंतजार कर रही थी। मुनमुन ने आते ही साहब के गले में हाथ डालकर कहा, आज शॉपिंग पर चलेंगे? साहब ने मुनमुन का हाथ झटक दिया और सीधे धम से बिस्तर पर जा गिरे। उनके कानों में गुनगुन के कहे शब्द अभी तक गूंज रहे थे। साहब के इस बर्ताव से लीला देवी समझ गई थी कि साहब जरूर उनसे कुछ ना कुछ छिपा रहे हैं। वो अपने कमरे में जाती है। अपने कमरे में पहुंचकर वो ड्राइवर को फोन लगाती है और कहती है, ड्राइवर अभी मेरे कमरे में आओ। क्या लीला ड्राइवर से उगलवा लेगी कि साहब कहां गए थे? लीला देवी के कमरे में ड्राइवर उनके सामने खड़ा था। गुनगुन का नाम सुनते ही लीला देवी के तन बदन में आग लग गई। वो सोच रही थी, आखिर साहबजादा इतनी बड़ी गुस्ताखी कैसे कर सकता है? 5 साल पहले जो रिश्ता खत्म हो गया था, अब वो लौटकर क्यों आया है? गुस्से से लीला देवी अपने हॉल की सीढ़ियों से चढ़ते हुए साहबजादा के कमरे में जा रही थी, लेकिन उन्हें ये कदम कहीं साहबजादा से दूर तो नहीं ले जा रहे थे? ये ख्याल उनके मन में आया, लेकिन उनका गुस्सा इस वक्त कुछ भी सही सोचने की क्षमता को रोक रहा था। लीला देवी ने आखिर सीढ़ी चढ़ी और वो साहबजादा के कमरे के सामने खड़ी थी। वो सीधे ही साहबजादा के कमरे में एंटर कर गई। लीला देवी की जगह अगर कोई और होता तो इस हिमाकत के लिए साहबजादा उसे कड़ी से कड़ी सजा देता। लीला देवी ने देखा कि साहबजादा अपने कमरे में आराम से सो रहा है। मुनमुन साहबजादा के पास बैठे हुए उनके सोते हुए चेहरे को प्यार से देख रही थी। लीला देवी को देखकर मुनमुन तुरंत अपनी जगह से उठ गई और लीला देवी को देखकर कहा, माँ जी आपको कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। लीला देवी ने मुनमुन की तरफ देखा। लीला की गुस्से से लाल आंखों को देखकर मुनमुन डर गई और उससे आगे कुछ न बोला गया। मुनमुन तुम यहाँ से जाओ, मुझे साहबजादा से अकेले में कुछ बात करनी है। लीला देवी के गुस्से के बारे में मुनमुन अच्छे से जानती थी, इसलिए बिना सवाल किए मुनमुन चुपचाप वहां से चली गई। लीला देवी मुनमुन के सामने साहबजादा से गुनगुन के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि मुनमुन को पता चले कि साहबजादा गुनगुन से मिलने के लिए गए थे। साहबजादा अभी भी अपने पलंग पर सो रहे थे। उन्होंने साहबजादा को हिलाते हुए कहा, साहबजादा उठिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लेकिन साहबजादा ने उनकी बात को सुना ही नहीं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत गहरी नींद में सो रहे हो। लीला देवी अपने बेटे की रग रग से वाकिफ थी। वो जानती थी उन्हें क्या करना है। लीला देवी अपने कमरे में चली गई। साहबजादा ने चुपके से आंखें खोली और देखा लीला देवी कमरे से जा रही है। लीला देवी को जाते देख साहबजादा को थोड़ी राहत मिली, लेकिन वो फिर से सोने की एक्टिंग करने लगे। लीला देवी वॉशरूम गई और वहां एक बकेट में पानी भरा। पानी से भरी बाल्टी लेकर वो साहबजादा के कमरे में गई। उन्होंने सीधे बाल्टी भर पानी साहबजादा के चेहरे पर डाल दिया। साहबजादा हड़बड़ाकर उठे। साहबजादा पूरा का पूरा पानी से भीग चुके थे। उन्होंने लीला देवी की तरफ देखते हुए कहा, माँ ये क्या किया आपने? मैं ऑफिस से काम करते करते थक गया था, आप मेरे उठने के बाद बात कर लेती। लीला देवी ने साहबजादा की ओर देखते हुए कहा, बहाने मत बनाओ साहबजादा, मैं जानती हूँ आप सोने का नाटक कर रहे थे, इस तरह आप मेरे सवालों से नहीं बच सकते। साहबजादा को समझ आ गया था कि लीला को पता चल चुका है कि वो गुनगुन से मिले थे। वो जानते थे कि लीला देवी से बचना मुश्किल है, आखिर वो साहबजादा की माँ है। साहबजादा ने अपने चेहरे को टॉवल से पोंछते हुए कहा, माँ पूछिए आप क्या पूछना चाहती है। लीला देवी ने साहबजादा की तरफ देखते हुए कहा, तुम गुनगुन से मिलने क्यों गए थे? साहबजादा को अचानक से कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। 2 मिनट तक सोचने के बाद उन्होंने लीला देवी से कहा, मैं गुनगुन से केस के सिलसिले में मिलने गया था। साहबजादा लीला से नजरें चुरा रहे थे। झूठ बोलते वक्त अपनी माँ से नजरें मिलाने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। लीला देवी को भी साहबजादा की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। लीला उस वक्त तो कमरे से चली गई, लेकिन उन्होंने तय कर लिया था वो गुनगुन की तरफ बढ़ रहे साहबजादा के कदमों को रोक कर रहेंगी। साहबजादा और गुनगुन के बारे में सोच सोच कर लीला देवी को नींद नहीं आ रही थी। 5 साल पहले गुनगुन को अनजाने में अपने घर की बहू बना लिया था।
लेकिन अब 5 साल बाद वो जानबूझकर इस गलती को दोहराने का मौका नहीं देंगी। लीला देवी रात भर जगी रही और साहबजादा के उठने से पहले ही वो कहीं निकल चुकी थी। साहबजादा ने अपने नौकर से पूछा, माँ कहाँ गई है? नौकर को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसने साहबजादा की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं मालूम सर, मुझे बोलकर नहीं गई, हो सकता है मंदिर गई हो। साहबजादा ने आज अकेले ही ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट के बाद वो सीधे ही ऑफिस के लिए निकल गया। जल्द ही साहबजादा अपने ऑफिस पहुंच चुके थे। वो अपने रौबदार अंदाज में कैबिन की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों से काला चश्मा उतारा और रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखा। रिसेप्शनिस्ट ने हल्की मुस्कुराहट के साथ साहबजादा को गुड मॉर्निंग कहा। साहबजादा अपने कैबिन में पहुंच चुके थे। उन्होंने इंटरकॉम से तिवारी जी को फोन लगाया और कहा, तिवारी जी आप अभी मेरे कैबिन में आ सकते हैं? दूसरी तरफ से तिवारी जी ने धीमे से कांपती हुई आवाज में कहा, साहबजादा मुझे 15 मिनट का टाइम दीजिए, मैं कुछ काम खत्म करके आता हूँ। आखिर तिवारी जी ने साहबजादा को वेट करने के लिए क्यों कहा और उनकी आवाज इतनी कांप क्यों रही थी? साहबजादा के मन में कुछ इस तरह की उधेड़ बुन चल रही थी। साहबजादा अपने कैबिन से उठकर तिवारी जी के कैबिन की ओर चल पड़े। तिवारी जी के कैबिन में एक ऐसा चेहरा था जिसे देखकर साहबजादा भी डर गए। तिवारी जी के कमरे में साहबजादा ने लीला देवी को देखा। साहबजादा ने इस वक्त तिवारी जी के कैबिन में जाना सही नहीं समझा। साहबजादा कैबिन के बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगे। कैबिन के अंदर बैठी हुई लीला देवी ने तिवारी जी से सवाल किया, साहबजादा गुनगुन से क्यों मिलने गए थे? आप जानते हैं ना मैं उस लड़की को जरा भी पसंद नहीं करती। तिवारी जी जानते थे कि साहबजादा गुनगुन से मिलने क्यों गए थे, लेकिन फिलहाल वो इस राज को राज ही बनाए रखना चाहते थे। उन्होंने लीला देवी से झूठ बोलते हुए कहा, मुझे नहीं लगता साहबजादा वहां गए होंगे, आपसे किसी ने झूठ कहा होगा। लीला देवी समझ रही थी तिवारी जी साहबजादा के साथ मिले हुए हैं। उन्होंने तिवारी जी को डांटते हुए कहा, तिवारी जी आप भी इस खेल में शामिल है, आपसे ये उम्मीद मुझे कतई नहीं थी। तिवारी जी ने दबी हुई जुबान में लीला देवी की बात का जवाब देते हुए कहा, कौन सा खेल, मुझे इस बारे में सच में कुछ नहीं पता। लीला देवी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उन्होंने तिवारी जी को टॉन्ट मारते हुए कहा, तिवारी जी या तो आप बहुत मासूम हैं या आप मुझे बहुत बेवकूफ समझते हैं। ड्राइवर ने मुझे सब बता दिया और साहबजादा ने भी इस बात को कबूला है। इसके बाद लीला देवी तिवारी जी पर बरस पड़ी और तेज आवाज में उनसे कहा, मैंने आपको साहबजादा की जिम्मेदारी दी थी और आप उसके रंग में रंगने लगे। तिवारी जी अगर गुनगुन साहबजादा के आसपास भी दिखी तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब साहबजादा को पता चल चुका था कि गुनगुन से मिलने वाली बात ड्राइवर ने लीला देवी को बताई है। साहबजादा गुस्से से आग बबूला हो गए। वो वापस अपने कैबिन में आ गए और उन्होंने ड्राइवर को फोन मिलाया और गुस्से से कहा, अभी के अभी मेरे कैबिन में आओ। ड्राइवर साहबजादा के बोलने के अंदाज से समझ गया कि साहबजादा बहुत गुस्से में है। वो भागकर साहबजादा के कैबिन में गया और कैबिन में एंटर किया। उसने नजरें झुकाते हुए कहा, आपने इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया सर? साहबजादा ने गुस्से से उसकी ओर देखा और कुछ ऐसा कहा कि ड्राइवर शर्म से पानी पानी हो गया। अचानक वो खुद को बहुत कमजोर और छोटा महसूस कर रहा था। साहबजादा ने ड्राइवर से गुस्से से कहा, अपने कपड़े निकालो, ये पैंट और ये शर्ट। ड्राइवर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सर आप ये क्या कर रहे हैं, मुझसे अगर कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दीजिए। साहबजादा ने उसकी तरफ देखा और गुस्से से कहा, तुम्हें बहुत शौक है ना दूसरों के राज खोलने का, चलो अब अपने कपड़े उतारो। ड्राइवर ने साहबजादा की तरफ देखा और दबी हुई आवाज में कहा, सर मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरी भी इज्जत है। साहबजादा ड्राइवर के करीब गए। उन्होंने ड्राइवर की तरफ देखा और गुस्से से उसके गाल पर कसकर एक थप्पड़ जड़ दिया। साहबजादा का थप्पड़ इतना जोरदार था कि कुछ मिनटों तक ड्राइवर के कानों में उसकी आवाज गूंजती रही। इसके बाद साहबजादा ने चिल्लाते हुए कहा, जो मैं कह रहा हूँ चुपचाप करो। ड्राइवर ने साहबजादा की तरफ देखा। ड्राइवर को साहबजादा की आंखों में पागलपन दिखाई दे रहा था। ड्राइवर को लग रहा था कि अगर आज उसने साहबजादा की बात नहीं मानी तो वो किसी भी हद से गुजर जाएगा। ड्राइवर ने एक एक करके अपने कपड़े उतारे। वो सिर्फ अंडरवियर में साहबजादा के सामने खड़ा था। साहबजादा ने ड्राइवर से कहा, अब तुम जा सकते हो, शाम को अपना हिसाब कर लेना और कल से आने की जरूरत नहीं है। ड्राइवर झुककर अपने कपड़े उठा रहा था। साहबजादा ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं कपड़े यहीं रहेंगे, तुम ऐसे ही मेरे ऑफिस से बाहर जाओगे। ड्राइवर धीमे धीमे कदमों से साहबजादा के कैबिन से बाहर बढ़ रहा था।
वो कैबिन से बाहर निकला। उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। ऑफिस में जिसने भी इस नजारे को देखा उसने शर्म से अपनी नजरें झुका ली। कुछ लोग धीमी धीमी आवाज में फुसफुसा रहे थे। अंडरवियर में ड्राइवर ने लिफ्ट में एंटर किया। लिफ्ट में मौजूद लोग उसे घूर घूर कर देख रहे थे। ड्राइवर शर्म से पानी पानी हुआ जा रहा था। वो एकदम से फूट फूट कर रोने लगा। ड्राइवर गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था जहाँ लीला उसका इंतजार कर रही थी। उसको अंडरवियर में देखकर लीला देवी ने अपनी नजरें झुका ली। उन्होंने ड्राइवर को देखा और कहा, ये क्या है तुम इस तरह से? ड्राइवर ने रोते रोते सारी बात लीला देवी को बताई। लीला देवी को साहबजादा की इस हरकत से गुस्से से ज्यादा शर्म आ रही थी। वो ड्राइवर को अपने साथ लेकर वापस साहबजादा के कैबिन में गई। ड्राइवर एक बार फिर उसी तरह से कैबिन जा रहा था लेकिन इस बार उसकी आंखों में शर्म और आंसू कुछ कम थे। लीला देवी ड्राइवर के साथ दंदनाते हुए साहबजादा के कैबिन में गई। उस समय साहबजादा तिवारी जी के साथ कुछ डिस्कस कर रहे थे। लीला ने साहबजादा को डांटते हुए कहा, ये क्या हरकत है साहबजादा, आप शर्म और लिहाज भूल गए हैं? लीला देवी ने फर्श पर देखा। ड्राइवर के कपड़े पड़े हुए थे। उन्होंने साहबजादा पर बरसते हुए कहा, ड्राइवर के कपड़े वापस दो साहबजादा। साहबजादा ने गुस्से से कहा, वहां पड़े हैं, खुद उठा लेगा। लीला देवी ने कड़क आवाज में कहा, साहबजादा आप उठा कर देंगे, वो भी पूरी इज्जत के साथ। साहबजादा ने फर्श पर से कपड़े उठाकर ड्राइवर के हाथ में पकड़ाए। लीला देवी ने साहबजादा की तरफ घूरते हुए कहा, देखती हूँ तुम्हें कौन नौकरी से निकालता है। इतना कहकर लीला देवी साहबजादा के कैबिन से बाहर निकल गई। ड्राइवर भी अब शान से लीला देवी के पीछे पीछे चल रहा था। लीला देवी के जाने के बाद साहबजादा के फोन की घंटी बजी। साहबजादा को मिश्रा जी ने फोन किया था। मिश्रा जी ने साहबजादा से कहा, आज मेरी शादी की सालगिरह है, होटल क्लासिक क्लब में एक छोटी सी पार्टी रखी है, आप आएंगे तो बहुत खुशी होगी। साहबजादा ने बहुत ही गर्म जोशी के साथ कहा, कंग्रेचुलेशंस मिश्रा जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। फोन रखने के बाद साहबजादा को गुनगुन का ख्याल आया। वो सोचने लगा कि गुनगुन भी वहाँ होगी। गुनगुन को याद करते हुए साहबजादा का दिल आज भी मोम की तरह पिघल जाता। ऑफिस का काम खत्म करके आज साहबजादा घर के लिए जल्दी निकल चुके थे। शाम को साहबजादा पार्टी के लिए तैयार होते हैं और गुनगुन का फेवरेट परफ्यूम लगाते हैं। मुनमुन उन्हें इस तरह से तैयार होते देखती है तो पूछती है, आप इतना तैयार होकर किसी पार्टी में जा रहे हैं, मैं भी आपके साथ चलूं? साहबजादा ने परफ्यूम को अपनी हथेलियों में रगड़ते हुए जवाब दिया, पार्टी नहीं क्लाइंट मीटिंग है, तुम वहाँ बोर हो जाओगी। इतना कहकर साहबजादा मुनमुन को इग्नोर करते हुए लॉन की तरफ चले गए। उन्होंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और होटल क्लासिक क्लब की तरफ चल दिए। पार्टी बहुत शानदार थी। शहर के बड़े बड़े लोग उस पार्टी में आए थे। साहबजादा के पार्टी में पहुंचने से मिश्रा जी का रुतबा और बढ़ गया था। सब साहबजादा की ओर देख रहे थे लेकिन साहबजादा की नजरें जिसे खोज रही थी वो नजर नहीं आ रही थी। साहबजादा की नजरें गुनगुन को खोज रही थी। गुनगुन भी अपनी कार से क्लासिक क्लब पहुंच चुकी थी। उसके साथ में अप्पू और डप्पू भी थे। उसने फिर पीछे की सीट पर बैठे अप्पू और डप्पू को देखकर कहा, तुम दोनों यहीं कार में वेट करना, मैं बस यूं गई और यूं आई। अप्पू और डप्पू को गाड़ी में बैठा कर गुनगुन पार्टी हॉल में पहुंच चुकी थी। पर्पल ड्रेस में गुनगुन बहुत सुंदर दिख रही थी। जब गुनगुन कार से उतरकर पार्टी की तरफ जा रही थी तब उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। वो यहाँ पर आना नहीं चाहती थी लेकिन ये उसकी एक मजबूरी बन गई थी और वो अपनी लाइफ में मजबूर होकर जैसे थक सी गई थी। मिश्रा जी ने उसके साथ किया उस चीज को वो आसानी से भूल नहीं सकती है लेकिन उसे ये भी पता है कि उसकी रेप्यूटेशन किस तरीके की है और इसलिए वो एक स्माइल के साथ फाइनली वहाँ पर अंदर एंटर हुई। अंदर एंटर होते ही उसने देखा कि वो एक बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी थी। वहाँ पर हर तरफ अमीर लोग दिख रहे थे जो शायद उसकी फर्म के क्लाइंट रहे होंगे और साथ ही ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्हें गुनगुन ने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन सब में एक बात कॉमन थी कि वो सब रईस थे। तब वो एक नर्वस इंसान की तरह वहाँ बीच में खड़ी हो गई और आसपास देखने लगी जहाँ पर लोग महंगे डिनर क्यूजिन को एंजॉय कर रहे थे या अपने गिलास में रेड वाइन पी रहे थे। लेकिन गुनगुन को अपने मन में पता था कि उसका टारगेट क्लियर है, उसे बस एक बार मिश्रा जी से मिलना है और फिर वहां से चले जाना है। यही बात सोचकर वो पार्टी में आगे बढ़ी लेकिन तभी उसे पीछे से माधुरी की आवाज आई, हेलो गुनगुन मैम। गुनगुन ने पलट कर देखा कि माधुरी यूं तो बहुत सीधी दिखती थी
लेकिन आज की पार्टी के लिए उसने एक वन पीस वाइट शॉर्ट ड्रेस और मेकअप कर रखा था। वो बहुत ही सुंदर दिख रही थी, पर गुनगुन को पता था कि ऐसी ड्रेस पहनने का आधा मकसद लोगों को अट्रैक्ट करना था, और शायद मिश्रा जी ने ही ये चीज माधुरी से कही होगी ताकि वो और क्लाइंट्स उनकी फर्म में लेकर आ सके। माधुरी गुनगुन के पास आई और उसने कहा, इट्स गुड टू सी यू मैम, मुझे तो लगा था कि शायद हमारा मिलना नहीं हो पाएगा, बट आई एम हैप्पी कि हम किसी तरह यहाँ पर तो मिल गए। हाँ, ये तो होना ही था माधुरी, लेकिन मैम क्या आप यहाँ अकेली आई है? माधुरी ने पूछा, और तब गुनगुन के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। वो पहले ही इस पार्टी में नहीं आना चाहती थी, और अब अगर उससे कोई ऐसे सवाल पूछे कि वो अकेली आई तो शायद उसे भड़क जाना चाहिए, लेकिन आसपास की कंडीशन देखकर वो बस चुप रही। और तब माधुरी ने अपने पीछे देख एक आदमी की तरफ इशारा किया। वो आदमी उनके पास आया और तब माधुरी ने कहा, ये मेरे हस्बैंड है अश्विन, ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और अश्विन ये गुनगुन माथुर मैडम है जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, वन ऑफ द बिगेस्ट लॉयर ऑफ आवर कंट्री, और मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। इट्स एन ऑनर टू फाइनली मीट यू, अश्विन ने इतना कहकर गुनगुन की तरफ हाथ बढ़ाया, और गुनगुन ने बिना किसी स्माइल के ही उससे हैंडशेक किया। ये बात माधुरी और अश्विन दोनों को ही समझ आ गई थी कि गुनगुन का मूड ठीक नहीं है। तब माधुरी ने आगे बात करते हुए कहा, ठीक है मैम, आप एंजॉय कीजिए। इतना कहकर वो दोनों वहां से चले गए। गुनगुन वहां पर अकेली खड़ी इस चीज के बारे में सोच रही थी कि वो किस तरह एंजॉय करे। उसका मन यहाँ पर नहीं लग रहा था और बस आंखें मिश्रा जी को ढूंढ रही थी। तभी उसने मिश्रा जी को देखा जो चार फॉरेनर्स के बीच में खड़े होकर कुछ बात कर रहे थे, और गुनगुन उनकी तरफ जाने लगी। वहां पर भीड़ थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए गुनगुन को मिश्रा जी तक पहुंचने में टाइम लग रहा था, और डिस्को के म्यूजिक की वजह से मिश्रा जी को गुनगुन की आवाज सुनाई भी नहीं दे रही थी। वो आगे बढ़ी और तभी अचानक उसका पैर स्लिप हो गया और वो अपने राइट हैंड साइड खड़े आदमी पर गिर गई। वहां पर खड़े आदमी की वाइन का ग्लास अनस्टेबल हो गया और वो गुनगुन की ड्रेस पर गिर गया। गुनगुन रेड वाइन में भीग चुकी थी और वो अपने आप को देख रही थी, और तब उसने सामने की तरफ देखा कि वो साहबजादा से टकरा चुकी थी। वो हैरान था और गुनगुन उससे ज्यादा हैरान थी, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि साहबजादा यहाँ पर होंगे। आसपास के लोग गुनगुन की मदद करने के लिए आगे आए और उसे सीधा खड़े होने में मदद की, लेकिन साहबजादा बस हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे। और तब गुनगुन ने बिना कुछ कहे वॉशरूम की तरफ जाकर अपनी ड्रेस साफ करने के बारे में सोचा। लेडीज वॉशरूम के अंदर घुसते ही गुनगुन ने देखा कि वो पूरा खाली है, और वो बेसिन के वहां पर खड़ी रहकर अपने ड्रेस की दाग को कांच में देखकर साफ करने लगी। पर अगले ही पल उसे सुनाई दिया कि वहां पर कोई एंटर हुआ है। उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उसने जैसे ही नजर उठाकर सामने कांच में देखा तो उसे दिखा कि वहां पर साहबजादा खड़े हुए हैं। गुनगुन हैरान हो गई और उसने तपाक से साहबजादा की तरफ पलटते हुए कहा, साहबजादा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर किसी ने हम दोनों को यहाँ पर देख लिया तो बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा। मुझे उसकी चिंता नहीं है गुनगुन, साहबजादा ने कहा। गुनगुन को उनकी आवाज में थोड़ा सा गुस्सा समझ आ रहा था। तब उसने सोचा शायद साहबजादा उसे यहाँ पर डांटने आए हैं, इसलिए उसने पहले से ही माफी मांगने के बारे में सोचते हुए कहा, देखिए साहबजादा, अगर आप मुझे इस बारे में चिल्लाने वाले हैं कि मैंने उस दिन आपके साथ वैसा क्यों रिएक्ट किया, तो मैं आपको बता दूं कि वो मेरी चॉइस है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चों के आसपास भी आप आओ और उनसे किसी भी तरह इंटरेक्ट करो। मैं मानती हूँ कि अप्पू और डप्पू आपकी कंपनी में घुसे और आपके साथ उन्होंने कुछ शरारत की, लेकिन ऐसा आगे से नहीं होगा। और रही अभी की बात, तो शायद आपको इस बात की भनक होनी चाहिए कि आप मेरे रास्ते में क्यों आ गए। अगर आप रास्ते में नहीं आते तो शायद वाइन मेरे ऊपर नहीं गिरती। ठीक है, मैं माफी मांगने को तैयार हूँ गुनगुन, आई एम सॉरी, साहबजादा ने धीरे से कहा, और उनकी आवाज वॉशरूम में गूंजने लगी। गुनगुन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि साहबजादा ने पहली बार उससे माफी मांगी थी, और तब वो कुछ कहती उसके पहले ही साहबजादा ने कहा, मैं तैयार हूँ इस बात के लिए माफी मांगने के लिए कि मैं तुम्हारे रास्ते में आया और मेरी वजह से तुम्हारे ऊपर वाइन गिरी।
लेकिन मैं इस बात के लिए भी माफी मांगने के लिए तैयार हूँ कि मैं तुम्हारे घर आया। मैंने कुछ गलत सोच लिया था और इसलिए मैं वहां घुस गया, पर मैं वैसा नहीं हूं। तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो और शायद इस दुनिया में तुम ही मुझे जानती हो। आज मेरी जब माँ से लड़ाई हुई तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी तुमसे ढंग से बात कर पाऊंगा, लेकिन अभी यहां तुम्हें देखकर मैं जो भी बोल रहा हूं वो पता नहीं कहां से आ रहा है, पर यही सच है गुनगुन। साहबजादा की इस बात को सुनकर गुनगुन बहुत हैरान हो गई। उसने कभी भी साहबजादा को ऐसी बातें करते हुए नहीं सुना था और वो बस कुछ न कहते हुए उन्हें सुनना चाहती थी। पर जब साहबजादा चुप हुए तो उसे समझ आया कि उसे कुछ रिस्पॉन्स देना पड़ेगा और इसलिए उसने कहा, ये आप जो भी बोल रहे हैं इसकी जरूरत नहीं है। मैं मानती हूँ कि कभी कभी हम लाइफ में मिस्टेक करते हैं और मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही। आपने जो किया वो आपकी मर्जी थी और मैंने जो समझा वो मेरी मर्जी। मैं भी आपसे माफी मांगती हूँ और मुझे अब जाना चाहिए। गुनगुन इतना कहकर दो कदम आगे बढ़ी ही थी कि साहबजादा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने करीब खींच लिया। गुनगुन को साहबजादा के मुंह से वाइन की खुशबू आ रही थी और उसे समझ आ रहा था कि साहबजादा ये सारी बातें वाइन के सुरूर में कह रहे हैं। और तब साहबजादा ने कहा, मुझे एक बात बताओ गुनगुन, तुम क्यों आ गई वापस? क्यों चली गई थी तुम 5 साल पहले? और क्या तुम इस चीज से खुश नहीं थी कि मैं जब तुम्हारे ख्याल से आगे बढ़ चुका था और मेरे लिए सब कुछ नॉर्मल हो गया था तो तुम फिर क्यों आ गई? क्या तुम मेरी खुशी नहीं देख सकती थी? जिस दिन से तुम आई हो तब से मैं तुम्हारे बारे में सोचने से खुद को एक पल भी नहीं रोक पा रहा हूँ। ये कैसा जादू है तुम्हारा? पिछले 5 साल में मैंने मुनमुन के साथ भी बहुत बार रिलेशन बनाने की कोशिश की और उसे अपना हमदर्द बनाने के बारे में सोचा, लेकिन ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाया। ऐसा लगता है जो बात तुम में है ना उसमें है और ना ही दुनिया की किसी भी दूसरी लड़की में। ये है क्या तुम मुझे बताओगी? गुनगुन ने साहबजादा की आंखों में देखा जो उसी तरह नशीली थी जैसे उस रात थी, और ऐसा लग रहा था कि गुनगुन एक बार फिर से उनमें डूबने वाली है। पर उसे ये भी पता था कि वो अपने आप को कंट्रोल करना जानती है और यही बात सोचकर उसने कहा, मुझे नहीं पता साहबजादा आप क्या कह रहे हो। मैं शायद अब वो गुनगुन नहीं रही जिसे आप ढूंढ रहे हो, जो आपको अपना साथी समझती थी और आपसे हर दुख दर्द शेयर करती थी। वो गुनगुन तो बहुत पहले ही यहाँ से जा चुकी है। अब ये नई गुनगुन आपके सामने है, शायद इसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसा क्यों है? क्या तुम 5 साल में इतनी बदल गई हो कि तुमने एक बार में पलट कर इस बारे में भी नहीं सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कि मैं कभी तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ या नहीं? तुमने कभी भी मुझसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश नहीं की। उस दिन हमारी एनिवर्सरी थी और तुम बस गायब हो गई। तुमने एक बार भी पलट कर ये नहीं सोचा कि मैं पूछ लूं कि आखिर साहबजादा कहाँ है, क्या कर रहे हैं और क्या वो मुझसे बात करना चाहते हैं? लेकिन नहीं, बस तुमने तो डाइवोर्स पेपर साइन किया और मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई। पर मैं तुम्हें बता दूं कि एक कागज पर साइन करने से कुछ नहीं बदलता। हमारा रिश्ता कागज से नहीं, भावनाओं से जुड़ा है। और तुम भले ही इस दुनिया के सारे कागजों को मेरे सामने तराजू पर लाकर रख दो, पर फिर भी तुम्हारे प्यार का भार ज्यादा ही रहेगा, साहबजादा ने कहा। तब गुनगुन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि वो ये क्या सुन रही है। 5 साल पहले साहबजादा ही उसे छोड़कर गायब हो गए थे और अचानक अब वो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे वो सब गुनगुन की गलती थी। उसे गुस्सा आने लगा और तब उसने सोचा कि आज वो साहबजादा को उनकी गलती के बारे में बता ही देगी। लेकिन अगले ही पल वॉशरूम का गेट खुल गया। गुनगुन ने देखा कि वहां पर 4 लेडीज खड़ी थी जो पहले तो स्माइल कर रही थी, लेकिन उन दोनों को देखकर उन सबके चेहरे की स्माइल गायब हो गई और सब हैरान होकर देखने लगी। तब गुनगुन ने जल्दी से अपना हाथ साहबजादा की ग्रिप में से छुड़ाया और वो गर्दन नीचे झुकाकर शर्माते हुए वहां से बाहर निकल गई। गुनगुन को ऐसा एहसास हो चुका था कि साहबजादा भी उसके पीछे आ रहे हैं, लेकिन वो मुड़कर नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वो वहां पर मिश्रा जी से भी नहीं मिली और डायरेक्ट बाहर चली गई। बाहर जाते ही उसने एक चैन की सांस ली और सोचा कि अब वापस अंदर जाने का कोई मतलब नहीं है। यही बात सोचकर वो अपनी कार की तरफ बढ़ी।
लेकिन अचानक उसने देखा कि कार खाली है और तब उसने कार को अनलॉक किया। वहां पर अप्पू और डप्पू नहीं थे। उसे चिंता होने लगी और उसने वहीं पर खड़े रहकर उन लोगों को आवाज लगाई, पर कहीं पर कोई नहीं दिख रहा था। वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड था जो पार्किंग मैनेज कर रहा था, और गुनगुन ने उससे पूछा कि क्या उसने बच्चों को देखा, पर उसने भी मना कर दिया। गुनगुन का दिल जोर से धड़कने लगा और उसे लगा कि शायद उसने अपने बच्चों को खो दिया है। गुनगुन अभी भी वहां पर रो रो कर चिल्ला चिल्ला कर अपने बच्चों को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कहीं भी उन दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। वो आसपास से निकल रहे हर इंसान से पूछ रही थी, क्या किसी ने दो बच्चों को देखा, लेकिन सब मना कर रहे थे। धीरे धीरे करके गुनगुन की हार्ट बीट तेज हो रही थी और तब उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। वो अपने आप को दोष देने लगी कि आखिर क्यों ही वो उन्हें इस पार्टी में लेकर आई, क्यों उसने उन दोनों को इस शहर में बुलाया और क्यों वो नई जिंदगी को स्टार्ट करने के बारे में सोचकर यहां पर आ गई। वो अपने आप को बेवकूफ समझने लगी और उसे अपने आप पर ज्यादा गुस्सा आया। लेकिन ऐसे टाइम पर उसे पता था कि उसे पैनिक नहीं होना है। एकमात्र वही है जो अपने बच्चों को ढूंढ सकती है, और यही बात सोचकर वो इधर उधर दौड़ने लगी। लेकिन उसे अपने बच्चे कहीं नहीं दिख रहे थे। वो उन दोनों को आवाज लगाने लगी और लोग बस उसे देखकर जज करने लगे। उन्हें लगा कि कोई शायद पागल औरत है जो अपने बच्चों के दुख को शेयर करने के लिए यहाँ पर आई है, पर कोई भी उसकी उस फीलिंग को नहीं समझ पा रहा था। जब कुछ वक्त बीत गया तब उसे समझ आया कि वो कुछ नहीं कर सकती है, और यही बात सोचकर उसने तुरंत ही पुलिस को फोन लगाया। फोन उठाते ही उसने रोते हुए कहा, मेरे बच्चे खो गए हैं, आप प्लीज उन्हें ढूंढ लीजिए, आई रिक्वेस्ट। मैं आधे घंटे से उन्हें ढूंढ रही हूँ, मैं अभी क्लासिक क्लब के बाहर खड़ी हूँ, आप प्लीज जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। लेकिन सामने किसी रूढ़ हवलदार ने फोन उठाया था और उसने चिल्लाते हुए कहा, मैडम आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आपको पता नहीं कि 24 घंटे के अंदर कोई भी मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है? अभी आधा घंटा ही हुआ है। देखिए, आप आसपास कहीं खेल रहे होंगे या फिर कुछ खरीद रहे होंगे, अगर 24 घंटे में नहीं मिलते हैं तब फोन लगाइएगा। इतना कहकर उस हवलदार ने फोन काट दिया और फिर गुनगुन अपनी किस्मत पर रोने लगी। आसपास के लोग उसे देख रहे थे, सब उसे पागल ही समझ रहे थे। लेकिन तभी गुनगुन के सामने कोई खड़ा हुआ और गुनगुन ने देखा कि ये वही ब्लैक टक्सीडो है जिसे वो बहुत अच्छे से जानती है। जब उसने ऊपर देखा तो वहां पर साहबजादा थे जो बहुत ही हैरानी से उसे देख रहे थे, और उन्होंने पूछा, क्या हो गया है गुनगुन, तुम यहाँ पर ऐसे और रो क्यों रही हो? क्या किसी ने तुम्हारे साथ कुछ किया है? बताओ मुझे। उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, आप यहाँ से चले जाओ, गुनगुन ने चिड़चिड़ाते हुए कहा। ऐसे टाइम पर वो साहबजादा से कोई भी बहस नहीं करना चाहती थी, लेकिन साहबजादा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खड़ा करते हुए कहा, लेना देना है गुनगुन, तुमसे रिलेटेड हर बात का लेना देना मुझसे है। अब मुझे जल्दी से बताओ क्या हुआ है, ताकि मैं उस चीज का सलूशन देकर तुम्हारी मदद कर सकूं। आपको क्या लगता है कि हर बार मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी? मैंने कहा ना, यहां से चले जाइए। गुनगुन ने अपनी उसी टोन में जवाब दिया। साहबजादा को बहुत ही गुस्सा आ रहा था और तब उन्होंने अपनी आवाज को तेज करते हुए कहा, देखो गुनगुन, मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो, सीधे सीधे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मुझे फालतू की नौटंकी नहीं चाहिए, तुम अपना भी टाइम वेस्ट कर रही हो और मेरा भी। साहबजादा की बात सुनकर गुनगुन को लगा कि वो शायद सही कह रहे हैं। अगर गुनगुन यहाँ पर चिड़चिड़ाती रही तो कहीं देर न हो जाए, और साहबजादा के अलावा कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता था उस वक्त। तब उसने कहा, अप्पू और डप्पू गायब हो गए हैं, मैंने उन्हें पार्टी में जाने से पहले कार के अंदर छोड़ा था, और जब मैं वापस आई तब वो यहाँ पर नहीं थे। मैं पिछले आधे घंटे से इधर उधर दौड़कर उन दोनों को ढूंढ रही हूँ। मैंने लोगों से भी पूछा लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं देखा, और मैंने पुलिस को भी फोन लगाया
लेकिन वो कहते हैं कि 24 घंटे के पहले कोई भी मिसिंग रिपोर्ट फाइल नहीं होगी। बताओ अब क्या मदद कर सकते हो आप? साहबजादा गुनगुन की बात सुनकर शॉक्ड हो गए और उन्हें ऐसा लगा जैसे कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। गुनगुन बस उनकी आंखों में देखकर इस चीज को समझने की कोशिश कर रही थी कि साहबजादा आप क्या करने वाले हैं। लेकिन अगले ही पल साहबजादा ने गुनगुन का हाथ छोड़ा और अपना फोन निकालकर एक नंबर डायल करते हुए जोर से चिल्लाकर कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए अभी के अभी। तुम जहाँ कहीं भी हो जल्दी से जल्दी क्लासिक क्लब पहुँचो, बहुत अर्जेंट है। सामने वाला आदमी कुछ कहता इससे पहले ही साहबजादा ने फोन काट दिया और तब गुनगुन बस हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी कि आखिर उन्होंने किसको फोन लगाया था। तब साहबजादा ने गुनगुन का हाथ पकड़ा और उसे पार्टी की तरफ ले जाने लगे। एंट्री गेट के बाहर रुककर उन्होंने उसे पानी पिलाया और उसे कंफर्ट करने की कोशिश करने लगे। इतनी ही देर में गुनगुन ने देखा कि एक पुलिस जीप आकर उनके सामने रुकी और उसमें से एक ऑफिसर और 3 कांस्टेबल उतरे। वो आकर साहबजादा के पास खड़े हुए और तब उस ऑफिसर ने साहबजादा से कहा, क्या हुआ साहबजादा, तुमने इतनी अर्जेंटली मुझे फोन क्यों लगाया? मनीष, तुम गुनगुन को तो जानते हो, दरअसल इसके बच्चे मिसिंग है और इससे पहले कि कुछ भी गड़बड़ हो मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें ढूंढने में हमारी मदद करो। मनीष गुनगुन की तरफ देख रहा था जिसकी हालत बहुत खराब थी। उसके पूरे चेहरे पर रोने की वजह से आंसुओं के निशान बन गए थे और आंसू अभी भी आंखों से लगातार गिर रहे थे। तब मनीष ने उससे पूछा, आखिर बार आपने बच्चों को कहां देखा था? लेकिन गुनगुन कुछ कहती इससे पहले ही साहबजादा ने कहा, पार्टी में एंटर होने से पहले गुनगुन ने उन दोनों को कार के अंदर ही छोड़ा था और फिर जब वो वापस आई तो वो यहां पर नहीं थे। ये कुछ 45 मिनट पहले की बात है। आई थिंक हमें पार्किंग के सीसीटीवी कैमरा चेक करने चाहिए, उसमें अगर हमें उनका कुछ भी पता चलता है तो हम उस फुटेज को फॉलो करेंगे। चलो मेरे साथ, मनीष ने कहा और फिर वो साहबजादा के साथ सर्विलेंस रूम में जाने लगा। गुनगुन की हार्ट बीट अभी भी बहुत बड़ी हुई थी और उसे कुछ भी प्रॉपरली समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे पता था कि अगर साहबजादा उसके साथ है तो जरूर अप्पू और डप्पू को ढूंढ ही लेगी। और अगले ही पल जब वो सर्विलेंस रूम में एंटर हुए तो वहां पर बैठे हुए सिक्योरिटी गार्ड ने मनीष को सलाम किया। मनीष ने उन्हें ऑर्डर देते हुए कहा, मुझे पार्किंग लॉट के पिछले 1 घंटे की फुटेज चाहिए, प्ले करो अभी के अभी। वहां पर बैठे हुए ऑपरेटर ने एक ही बार में मनीष की बात सुन ली और वो पिछले 1 घंटे की फुटेज को प्ले करने लगे, जिसमें गुनगुन की गाड़ी साफ साफ दिख रही थी और उसके अंदर 2 बच्चे भी दिख रहे थे जो आपस में मस्ती कर रहे थे। गुनगुन को अपने बच्चों को देखकर खुशी हुई और उसके चेहरे पर थोड़ा सा सुकून आने लगा। लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि कुछ देर गाड़ी खड़ी रहने के बाद अप्पू ने दरवाजा खोला और डप्पू भी उसके साथ उतर गई और वो कहीं जाने लगे। ऑपरेटर ने कैमरा फॉलो किया और दिखा कि वो दोनों पार्टी की तरफ ही जा रहे थे। गुनगुन समझ नहीं पाई कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे, लेकिन वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे थे और ऑपरेटर बस उन्हें फॉलो कर रहा था। फिर अगले ही पल वो पार्टी के अंदर एंटर हो गए। तब ऑपरेटर मनीष की तरफ पलटा और उसने कहा, आई एम सॉरी सर, बट ये प्राइवेट पार्टी थी और उसकी वजह से सारे कैमरा बंद थे। हमारे पास आगे की कोई फुटेज नहीं है। अगर बच्चे पार्टी में होते तो मैं उन्हें जरूर देख लेता। अब फास्ट फॉरवर्ड करो, शायद वो यहाँ से बाहर निकल गए होंगे, साहबजादा ने कहा। और तब उस ऑपरेटर ने रिकॉर्डिंग को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया और कुछ ही सेकंड्स में सब ने देखा कि वो दोनों किसी आदमी का हाथ पकड़कर बाहर निकल रहे थे। उन दोनों के चेहरे पर स्माइल थी, लेकिन उस आदमी ने अपने सिर पर हैट लगा रखी थी जिसकी वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। जिस तरीके से वो सूट अप करके आया था उससे यही साबित हो रहा था कि वो पार्टी का ही मेंबर था, लेकिन वो था कौन इस चीज को कोई समझ नहीं पा रहा था। गुनगुन बहुत हैरान हो गई और एक बार फिर से उसकी आंखों में से आंसुओं की लड़ी शुरू हो गई। अप्पू और डप्पू के अलावा उसे इस दुनिया में कोई भी प्यारा नहीं था और अगर वो उन दोनों को ही खो देती तो उसके लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो सिसक सिसक कर रोने लगी और अपने घुटनों पर गिर गई। कोई भी उसे संभाल नहीं पा रहा था और सब बस स्क्रीन की तरफ घूर कर उस आदमी को देख रहे थे कि आखिर वो कौन हो सकता है। लेकिन तभी गुनगुन का फोन बजने लगा। वो एक अननोन नंबर था और मनीष ने उसका फोन छीन लिया। फोन उठाने से पहले उसे लाउड स्पीकर पर कर दिया,
तब सामने से एक आदमी की आवाज आई। तुम्हारे बच्चे मेरे पास है, मुझे पता है कि वो कहाँ पर थे और क्या कर रहे थे। अगर तुमने कोई भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो आज रात तुम्हें बच्चे नहीं बस उनका सिर मिलेगा और शरीर कहीं और। मैं जितना कहता हूँ उतना करो। अपने साहबजादा से कहना कि मुझे 1 करोड़ रुपए भेज दे, तभी मैं दोनों बच्चों को छोड़ दूंगा। और ये ध्यान रखना कि ये कोई धमकी नहीं है, ये सीधा एक्शन है। अगर मैं उस पार्टी में से तुम्हारे बच्चों को उठा सकता हूँ तो उन्हें मार भी सकता हूँ। आगे तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है लॉयर गुनगुन माथुर कि तुम इस बार इस केस को किस तरीके से जीतती हो। इतना कहकर उस आदमी ने फोन काट दिया और गुनगुन के होश उड़ गए। वो किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरी दुनिया उसकी आंखों के सामने से गायब हो रही है और सब कुछ ब्लैक हो रहा है। कुछ ही सेकंड में गुनगुन की आंखें बंद हो गई और वो नीचे जमीन पर गिर गई। साहबजादा ने गुनगुन को उठाने की बहुत कोशिश की लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था। वो बेहोश हो चुकी थी। वो हर कोशिश कर रहा था जिससे गुनगुन सही हो जाए लेकिन ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तब उसने गुनगुन को गोद में उठाया और उसे बाहर ले गया। जैसे ही वो पार्किंग लॉट में पहुंचा उसे फोटो क्लिक होने का बहुत ही हल्का साउंड सुनाई दिया लेकिन उसने उस पर फोकस नहीं किया और वो बस जल्दी से जल्दी गुनगुन को सेफली कहीं पर ले जाना चाहता था। साहबजादा ने गुनगुन को गाड़ी में लेटाया और फिर वो वहां से अपने घर की तरफ जाने लगा। उसने कार की स्पीड तेज कर रखी थी और वो हर चीज को हल्के में ले रहा था। उसे फर्क नहीं पड़ रहा था कि कोई भी उसके सामने किस तरह से गाड़ी चला रहा है। वो बस अपनी धुन में जाता जा रहा था और बैक सीट पर लेटी हुई गुनगुन गाड़ी के मूवमेंट के साथ इधर उधर हो रही थी और साहबजादा बस उसकी तरफ फोकस कर रहे थे। लेकिन तभी साहबजादा का सामने सड़क पर ध्यान नहीं था जिसकी वजह से उन्होंने देखा नहीं